हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस। माय नेम इज नवीन यादव और आज है 9th ऑफ नवंबर। चलिए डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। देखिए, ये बोलते हैं, ए सक्सेसफुल मैन इज वन वो कैन ले ए फर्म फाउंडेशन विद द ब्रिक्स अदर्स हैव थ्रोन एट हिम। यानी कि आपके ऊपर देखिए पत्थर फेंके जाएंगे, पत्थर का मतलब है आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जाएंगे। ठीक है, आप ये काम अच्छे से नहीं कर रहे, आप इसकी मेहनत अच्छे से नहीं कर रहे, यानी कि आपके ऊपर बहुत सी चीज़ें ऐसी बोली जाएंगी जो आपको लगेगी बहुत हार्श हार्श लगेगी, आपको बुरी लगेगी, बहुत दुख भी होगा। बहुत से लोग बोलेंगे आपके अंदर दिमाग नहीं है, आप ये कर नहीं सकते, आप कैपेबल नहीं है, तो बहुत चीज़ें आपके ऊपर बोली जाएगी। और ये जब तक इंसान अनसक्सेसफुल होता है ये सब चीज़ें बोली जाती है और सबको बोली जाती है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको ये पहली बार बोली जा रही, सबको बोली जाती है, लेकिन आपको इन्हीं चीज़ों को लेते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए स्ट्रांग अपने आप को बनाना है। इतना स्ट्रांग बनाना है कि आपकी सक्सेस जो है वो आपकी जो है सारी कहानी बताए। यानी कि कोई आपको, देखिए इंसान क्या होता है, दो इंसान खड़े हो, अगर उनको पोस्ट बताओ इसकी क्या पोस्ट है, इसकी क्या पोस्ट है, तो उस हिसाब से वो जज करने लगता है कि ये इंटेलिजेंट है ये नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन क्या है, इंसान की थिंकिंग जो है वो सक्सेसफुल इंसान की तरफ ही, जो सक्सेसफुल होता है, जिसको सक्सेस मिल गई होती है, उसी को टैलेंटेड समझता है इस दुनिया में। यही प्रॉब्लम है। तो आपको भी क्या करना है, उस प्रॉब्लम से जूझना है। कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, कोई भी आपसे कोई बात कही जाए, कोई भी आपको एलिगेशन लगाया जाए, आपकी कैपेबिलिटी पर शक किया जाए, कुछ नहीं करना है। उन पर ये जो एलिगेशन है इनको याद रखना है अपना दिमाग में कि हाँ, मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया, मैं इसको प्रूव करूंगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ। दिमाग में रखना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा देखिए, आज साबरमती रिवर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। मैं ये देखिए, साबरमती रिवर यहाँ से निकलते हुए, यहाँ से निकलते हुए और यहाँ पे अरेबियन सी में गिर जाती है। इसी के बारे में थोड़ा सा ही बताया हुआ है। इट ओरिजिनेट्स इन द अरावली हिल, अरावली हिल में ये ओरिजिनेट होती है, नियर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, मीट्स द गल्फ ऑफ कैम्बे ऑफ अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके मिल जाती है। 371 किलोमीटर के करीबन ये जो है लैंड ट्रेवल करती है अक्रॉस राजस्थान एंड गुजरात। तो ये सिर्फ राजस्थान में है और गुजरात में, यानी कि एमपी का तो एरिया देखिए ये है, तो ये एमपी इधर है, तो एमपी में ये कहीं टचिंग नहीं होती है। साबरमती जो है सिर्फ राजस्थान और गुजरात में, ठीक है, इतना ही याद रखिए, बहुत है ये। चार क्वेश्चन कल पूछे थे, उसका आंसर बता देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू ऑफ द 2018 इंडियाज इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, तो ये है शिलोंग। सेकंड क्वेश्चन था कि रोम फिल्म फेस्टिवल में कौन सी इंडिया की मूवी है जिसको एंट्री मिली है, आंसर है मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर। थर्ड था कि देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 124। और क्वेश्चन नंबर फोर था कि देखिए, अभी एक सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया है, तो ये कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है, आंसर है इसका दिल्ली, राइट। इसके अलावा आज के चार क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट WHO ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ वॉज हेल्ड इन विच सिटी, किस सिटी के अंदर ये WHO कॉन्फ्रेंस हुई है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ, न्यूयॉर्क, जिनेवा, न्यू दिल्ली या पेरिस। सेकेंड क्वेश्चन है देखिए, लिटिल इंडिया गेट विच इन द न्यूज रिसेंटली इज इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, लिटिल इंडिया गेट कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है, मैदान, जकार्ता, बैंटेप या डिपॉक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, RBI हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ PCR का प्रोसेस स्टार्ट किया है फॉर कैप्चरिंग बोरोवर्स डिटेल, बोरोवर्स जो है उनके डिटेल्स कैप्चर कर रहे हैं। तो इसका ये जो एक्रोनिम है इसका फुल फॉर्म क्या है PCR की, चार ऑप्शन है आपको, इसमें से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, द वर्ल्ड फर्स्ट WHO ग्लोबल, सॉरी ये दोबारा शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो तीन ही क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अब देखिए, आज पढ़ते हैं हम न्यूज जो आई है इंपॉर्टेंट। देखिए, कोड़ी कैनाल के बारे में आया है, कोड़ी कैनाल के अंदर मर्करी लेवल वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक्चुअली क्या हुआ था, 1983 में जो ये बताते हैं कि मर्करी थर्मामीटर फैक्ट्री थी एक, ठीक है, वो यहाँ पे लगाई गई थी कोड़ी कैनाल के अंदर, मर्करी का जो थर्मामीटर बनता है उसका, इसके कारण इस एरिया में जो है मर्करी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट। तो ये धीरे धीरे वही सब बताया हुआ कि कैसे मर्करी लेवल बढ़ा, किसने इस फर्म को एक्वाइज किया, एक्विजिशन हुआ, ऐसे ऐसे सारी डिटेल है, लेकिन हमें वो समझने की जरूरत नहीं है। अभी क्या हुआ, केस गया था ये NGT के पास केस गया, और NGT का ये पहले गया तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने परमिशन दी
कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है उनको बोला कि कोडीकनाल के आसपास जो रिवर है जहाँ पे मरकरी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस मरकरी लेवल को आप कम कीजिए, कोई भी आप जो कोई भी रीमेडिएशन यूज़ कीजिए। रीमेडिएशन ऑफ सोइल का मतलब क्या होता है कि उससे जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो निकाल ली जाए, जैसे मरकरी है यहाँ पे, तो मरकरी को निकाल लिया जाए, ठीक है, यानी कि निकाला जाए या उसकी जो इफेक्ट है उसको कम किया जाए, तो इसको बोलते हैं रीमेडिएशन ऑफ सोइल। तो इसी के पूरा विवाद चल रहा था। एक्चुअली एक्टिविस्ट क्या चाहते हैं कि जो इसका लेवल है वो इसका लेवल इतना होना चाहिए 6.6 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है, यानी कि 1 केजी सोइल होगी तो इतना ग्राम, 6.6 मिलीग्राम वो होनी चाहिए थर्मामीटर, थर्मामीटर के अंदर जो सॉरी मरकरी जो होती थी, मरकरी जो थर्मामीटर के अंदर यूज की जाती थी, तो सोइल के अंदर सिर्फ 1 किलोग्राम सोइल के अंदर 6.36 mg मरकरी होनी चाहिए। लेकिन जो अभी एनजीटी ने डिसीजन दिया काफी एक्सपर्ट के एडवाइस के बाद, तो इन्होंने जो एक फिक्स किया क्राइटेरिया वो किया 20 mg, यानी कि 1 किलो अगर सोइल होगी तो उसके अंदर 20 mg का जो है मरकरी हो सकता है, इससे ज़्यादा अगर होगा तो वो कम करना पड़ेगा, ऐसी इंस्ट्रक्शन थी। तो आपके लिए काम क्या क्या है, सबसे पहले देख एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एनजीटी का चेयरमैन कौन है, आदर्श कुमार गोहिल, राइट। उसके बाद सेकेंड है कि ये कोडीकनाल कहाँ पे है, ये आपको सर्च करना है कोडीकनाल कहाँ पे है। उसके अलावा देखिए कोडीकनाल से आपको पता है एक नेशनल वाटरवे भी गुजरता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। मरकरी लेवल जो है ये भी एक पोल्यूशन है इंडिया के अंदर सॉइल के अंदर, तो ये भी चीज़ आपको होती है। चार पांच चीज़ें और ये एग्जाम्पल भी कहीं भी आप डाल सकते हैं। सेकेंड है देखिए, 6 एयरपोर्ट जो है उनको प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, यूनियन कैबिनेट ने जो है एक तरह से अप्रूवल दे दी है। इसमें देखिए क्या क्या काम करेंगे, ऑपरेट करेंगे, मैनेज करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग मैनेजिंग एंड डेवलपिंग। 6 जो नॉन मेट्रो एयरपोर्ट है, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, राइट, एंड मैंगलोर। तो ये 6 जगह का जो एयरपोर्ट है इनको पीपीपी के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इनको अपग्रेड करना है। और जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है देखिए पहले ही हम जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर, हैदराबाद, कोची है, तो यहाँ पे पीपीपी मॉडल लाया गया और काफ़ी अच्छा इन्होंने हेल्प किया, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना, एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना और इससे रिवेन्यू भी ज़्यादा आया, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा हो गया, ऐसे हमारे लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने बोला। इसके अलावा देखिए आपको भी पता है पीपीपी के कुछ बेनिफिट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एफिशिएंसी आ जाती है, सर्विस डिलीवरी में एक्सपर्टीज आ जाती है, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर जो है रिसोर्सेज को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए पूरा पीपीपी के बारे में थोड़ा सा। इसके अलावा देखिए अभी एक पीस टॉक स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कहाँ पे, रशिया के अंदर, रशिया के अंदर एक मीटिंग हो रही है पीस टॉक, यानी कि किसके लिए, अफगानिस्तान में, ताकि पीस आ जाए। तो इसमें रशिया के अंदर जो हो रही है इसका नाम क्या है, मॉस्को फॉर्मेट, मॉस्को फॉर्मेट, सॉरी। और इसके अंदर देखिए पहले इंडिया भाग नहीं ले रहा था, इंडिया क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान, ठीक है, जिन्होंने रूल किया 2004 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर, तो उनको भी पीस टॉक के अंदर शामिल किया गया, तो इंडिया हमेशा इसके अगेंस्ट रहा है। इंडिया ने देखिए क्या बोला है कि जो भी पीस टॉक होगी वो अफगान लेड होनी चाहिए, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल, यानी कि अफगान ही उसको आगे बढ़ाएगा, अफगान ही पूरा उसका कंट्रोल करेगा, और अफगान के यानी कि पूरे अफगानिस्तान जैसा चाहेगा वैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या, तालिबान को इंक्लूड किया गया, इसके अलावा 12 और कंट्रीज को इंक्लूड किया, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, उसके अलावा ईरान और 5 जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है। इंडिया पहले मना कर रहा था, लेकिन अब इंडिया ने बोला चलो ठीक है हम भी देख यानी कि पीस प्रोसेस में भाग लेते हैं, क्योंकि इंडिया को बोला कि देखिए बहुत जरूरी है अफगानिस्तान में पीस लाने की, और इंडिया तो हमेशा चाहता है अफगानिस्तान के अंदर शांति और स्टेबिलिटी आए ताकि इंडिया का बेनिफिट हो, इंडिया हमेशा इन्वेस्ट करता रहता है वहाँ पे। और अभी आपको छाबार पोर्ट के बारे में पता है कि इंडिया अफगानिस्तान तक जो है छाबार पोर्ट का लिंक कर रहा है ताकि अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो सके और वहां पे कोई भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है हमारा वो भी बढ़ाया जा सके, राइट। इसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है इलेक्शन ईसी को और ईडी को। देखिए एक इंसान ने 1992 में, एक पटिशनर है, उन्होंने एक प्रपोजल डाला था 1992 में, तब से ही वो बोल रहे हैं कि इतना ब्लैक मनी यूज होता है, ठीक है, इलेक्शंस के अंदर, तो ब्लैक मनी को कम किया जाए और कोई भी जो भी एक लिमिट के बाद एक्सेसिव खर्चा करता है इलेक्शन के अंदर, कैंपेनिंग के अंदर, तो उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। तो देखिए एक लिमिट तो फिक्स की हुई है, आपको पता है स्टेट असेंबलीज, पार्लियामेंट के इलेक्शन जो भी होते हैं उसके ऊपर एक लिमिट है कि इतनी लिमिट तक ही आप कैंपेनिंग में पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बताते हैं कि 2014 से 18 तक भी, आज तक भी इलेक्शन कमीशन ने कोई किसी भी जो जिसने इलेक्शन लड़ा है उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया कि उसने एक्सेस लिमिट जो पैनल ने डिसाइड की हुई है उसको क्रॉस किया है, ठीक है,
जो भी पैसा खर्च किया उससे ज़्यादा किया, तो उसके हिसाब से 2014 से 18 में किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है दोनों को नोटिस भेजा सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला कि आप क्या काम कर रहे हैं हमें बताइए, कैसे आप जो है ब्राइबरी। देखिए एक चीज़ और इन्होंने, पटिशनर ने एक चीज़ और बोली कि 1992 में जब इन्होंने केस दायर किया था तो इन्होंने ये भी बोला था कि इलेक्शन में अगर कोई भी ब्राइब वगैरह देता हुआ मिलता है या लेता हुआ तो उसको जो है एक ऑफेंस जो है कोग्निजिबल ऑफेंस बनाइए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इसके अलावा देखिए ये बोले हैं कि पटिशनर ये भी बोले हैं कि जो ईडी है सीबीडीटी है उनको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए, जैसे भी कोई भी मनी सीज किया जाता है, लीकर नारकोटिक ड्रग्स, ठीक है, 2014 के इलेक्शन में जो यूज किया गया उनको जो है आज तक उनको कुछ, यानी कि जिन्होंने यूज किया उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया गया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए किसके रिगार्डिंग है, ये इलेक्शन रिफॉर्म से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए रोहिंग्या के रिगार्डिंग कोई भी हमारी बात नहीं हुई, अभी देखिए मीटिंग हुई थी करीबन ये 25-26 अक्टूबर को, ठीक है, 25 और 26 अक्टूबर को म्यांमार के साथ इंडिया की मीटिंग हुई। और देखिए इंडिया में जो म्यांमार रह रहे हैं करीबन म्यांमारीज 40,000 म्यांमारीज रहते हैं इंडिया के अंदर, और उनको लगता है कि इंडिया जो है मीटिंग इस तरह सेट कर रही है अब म्यांमार के साथ ताकि हम लोगों को वापस भेजा जा सके, ठीक है। अभी आपको पता है असम के अंदर 7 जो रोहिंग्याज को पकड़ा गया, ठीक है, और इनको वापस भेज दिया गया। तो इस तरह ये बात हो रही है कि इतने रोहिंग्याज को जो है डर था कि इंडिया के साथ क्या बात हुई है, लेकिन इंडिया ने स्पेसिफिकली बोला है देखिए इस चीज़ से रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई हमारी कि रोहिंग्या को भेजना है या नहीं भेजना है, हमारी सारी बात हुई है कि किस तरह जो वहाँ पे इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ काम कर रही है म्यांमार के अंदर वो काम ना करे उसको रोकने के लिए पूरी बात हुई है। और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग देखिए बताते हैं कि करीबन 40,000 जो है रोहिंग्याज इंडिया के अंदर है, 57 जम्मू कश्मीर में है और 16,000 जो है यूनाइटेड नेशन से रजिस्टर्ड भी हैं। देखिए रोहिंग्याज क्या है मैं बार बार बता चुका हूँ, फिर आपको बता देता हूँ 2013 में क्या हुआ था। रोहिंग्याज मुस्लिम म्यांमार में रहते थे और वहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिटीज जो हैं उनके साथ जो इनका विवाद वगैरह हो गया और वहाँ से फिर इनको बहुत ज़्यादा लोगों को खदेड़ दिया गया, यानी कि काफ़ी वहाँ पे इनको आर्मी वगैरह को यूज़ करके इनको बहुत मारपिटाई हुई और वहाँ से छोड़ के भाग गए। उसके बाद बहुत से लाखों लोग तो कोक्स बाजार जो बांग्लादेश का वहाँ पर रहते हैं, यानी कि वापस नहीं जाते, इनको डर है कि वहाँ पर जाएंगे तो फिर से हमारे ऊपर अत्याचार होगा, ठीक है। तो वही सब पूरी ये जो है न्यूज़ है। इसके अलावा नालसा के बारे में आपको पता होनी चाहिए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है। देखिए डिफरेंट स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे अलग अलग लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो फ्री लीगल सर्विस देती है, यानी कि कोई पैसा नहीं लेती। नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी। एक्चुअली आज जो है आज 9/11 को जो है लीगल लीगल अथॉरिटी डे है, ठीक है, लीगल अथॉरिटी डे है, तो इसलिए इसको पूरा इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस है, तालुका लेवल सब डिवीजन लेवल पे अलग अलग इस पे भी लीगल सर्विस कमेटीज़ है, हाई कोर्ट पे भी अलग से कमेटी है और सुप्रीम कोर्ट में भी अलग से कमेटी है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये फ्री लीगल सर्विस देता है। देखिए इसका और क्या काम है, फ्री लीगल सर्विस एड एंड एडवाइस, अवेयरनेस स्प्रेड करना, लोक अदालत ऑर्गेनाइज करना, सेटलमेंट वगैरह डिस्प्यूट जो भी होता है, एडीआर मैकेनिज्म, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स वगैरह जो है वो बनाना, कंपनसेशन देना, ठीक है, विक्टिम्स को। इसके अलावा फ्री सर्विस किसको मिलेगी, विमेन एंड चिल्ड्रन को, मेंबर ऑफ शेड्यूल एससी एंड एसटी जो होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, विक्टम विद नेचुरल डिजास्टर्स, पर्सन इन कस्टडी, ठीक है, या जिसके एनुअल इनकम 1 लाख से कम है जिसको नोटिफाई किया है सेंट्रल स्टेट ने तो उसको भी फ्री लीगल सर्विस मिलेगी। और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो है विक्टिम है या बेगार जो उसके विक्टिम है उनको भी फ्री लीगल सर्विस मिलेगी। तो नालसा के बारे में आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए अभी ओल्डेस्ट नॉन एनिमल ड्राइंग फाउंड हुई है अभी इंडोनेशिया के केव्स है वहाँ पे, देखिए 40,000 पुरानी, जस्ट आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कितना हजार साल पुरानी है अप्रोक्स, 40,000 साल पुरानी, ये देखिए आपको हाथ नजर आ रहे हैं। तो इसमें यही बता रहे कि इससे पहले जो है जर्मनी में माना जाता था कि वहाँ पे जो आइवरी स्कल्पचर है वो सबसे पुराने हैं, लेकिन अभी जो ये इंडोनेशियन केव्स के अंदर बोर्नियो के अंदर ये पाए गए हैं जंगल के अंदर, तो इससे पता चलता है कि ये सबसे पुराने, अभी तक की सबसे पुरानी जो है ड्राइंग ये पाई गई है, एनिमल की ड्राइंग, ठीक है, कहाँ पे पाई गई है, इंडोनेशियन केव के अंदर। इसके अलावा देखिए ये आर्टिकल आया है एमएसएमईज के बारे में, आपको पता है अभी रिसेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट किया कि जिन्होंने भी जीएसटी रिफंड वगैरह जो कर रहा है प्रॉपर या जीएसटी फाइल कर रहा है तो उसको जो है जो स्मॉल इंडस्ट्री है एमएसएमईज हैं, तो एमएसएमईज को बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इनको जो है 1 लाख का जो लोन है वो
1 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 59 मिनट्स का इन्होंने वादा किया कि 1 लाख का लोन जो है कोई भी एमएसएमई ले सकती है, अगर उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज हैं जैसे जीएसटी का अपना रिटर्न फाइल किया और ये सब जो बेसिक चीज़ें अगर वो फुलफिल की हुई है तो। इसी के ऊपर ये पूरा देखिए आर्टिकल है, ये बोल रहे हैं कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं और इस तरह की जो अनाउंसमेंट की है ये कहीं ना कहीं जो जो ये पैकेज दिया है ये एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ ही लेके आया है। और पॉजिटिव न्यूज़ से क्या होगा, इससे काफ़ी यानी कि एमएसएमईज को काफ़ी बेनिफिट भी होगा। और ये जो प्राइम मिनिस्टर की हमारे अनाउंसमेंट की है कि 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ तक, सॉरी लाख नहीं, मैं लाख बोल रहा था, 1 करोड़ तक का लोन जो है आप 60 मिनट में जो है आपको जो इसका पूरा बिजनेस प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का इन्होंने बोला। उसके बाद इंटरेस्ट सबमिशन में भी बोला कि 2% तक ही जो रिसीव किया जाएगा। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बोला कि 25% जो है आपको मैंडेटरी है कि जो प्रोक्योरमेंट करेंगे, परचेज करेंगे, वो स्मॉल इंडस्ट्री, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री एमएसएमईज है उनसे ही करेंगे, राइट। ये बोलते हैं कि देखिए अगर हम बात करें इंडिया की जीडीपी की तो 30% जीडीपी है वो हमारी एमएसएमई से ही चलती है, यानी कि छोटी इंडस्ट्री से चलती है। और छोटी इंडस्ट्री काफ़ी इनको प्रॉब्लम हुई थी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2 साल पहले और गुड्स एंड सर्विस टैक्स की इंप्लीमेंटेशन हुई थी, तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। इसके अलावा ये बोलते हैं अभी जो आईएल एंड एफएस क्राइसिस मैंने आपको बताया था पूरे, तो उस क्राइसिस के कारण इनको अभी लेंडिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि ये पैसा ज़्यादा ले नहीं पा रहे हैं, यानी कि पैसा ज़्यादा इनको मिल नहीं पा रहा है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं इस वजह से भी। तो गवर्नमेंट ने एक नया टूल ये इम्प्रूव ताकि क्रेडिट इनका इंप्रूव हो सके, जॉब क्रिएशन बढ़ाई जा सके। देखिए एमएसएमई से जॉब ज़्यादा बहुत ज़्यादा आती है, छोटे इंडस्ट्रीज जो आसपास के जो लोकल एरिया के जॉब्स है उसको ये जॉब यानी कि लोगों को यूथ जो है उनको जो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है तो उनको जॉब वगैरह देने में बहुत ज़्यादा काम जो है एमएसएमईज करती है। इसके अलावा देखिए रिजर्व बैंक का एक डेटा के अकॉर्डिंग बताते हैं कि अगर क्रेडिट फ्लो की बात करें तो एमएसएमई का क्रेडिट काफ़ी डिमोनेटाइजेशन के बाद अभी रिकवरी देखने को मिली है। और ये बताते हैं कि बिगेस्ट रिस्क जो है, ठीक है, अब ये रिस्क क्या बताते हैं, देखिए रिस्क ये बताते हैं प्रोडक्टिव इकोनॉमिक रिसोर्स है उसका मिस एलोकेशन है सबसे बड़ी बात। उसके बाद कहते हैं पंपिंग एक्स्ट्रा क्रेडिट एमएसएमई में, अभी कहते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है कि ज़्यादा इनको पैसा मिलेगा, टेम्परेरी बूम आएगा, लेकिन हो सकता है कि ये बूम सिर्फ इलेक्शन तक ही रहे, इलेक्शन के बाद फिर से गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी लेके आ जाए तो ये स्टिमुलस जो है एकदम जो बूम आया है वो बढ़ेगा और ये फिर से गिरेगा नीचे, तो काफ़ी यानी कि जो एमएसएमईज है उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ये बताते हैं कि गवर्नमेंट ये अच्छा एफर्ट लिया है कि कहीं ना कहीं बिजनेस के लोन को अप्रूवल बहुत टाइमली मिल जाएगा, जॉब क्रिएशन होगा, ग्रोथ ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर ये सिर्फ पॉलिटिकल रीजन से किया गया है तो इसका लॉस भी बहुत होगा। इससे पहले कहते थे कि मुद्रा लोन स्कीम आई थी और उस लोन स्कीम में भी यही था कि बहुत ज़्यादा जो है बैड लोन्स क्रिएट हो गया था। जो हमारे उस समय गवर्नर थे आरबीआई के रघुराम राजन, उन्होंने भी बोला था कि नेक्स्ट जो फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा इंडिया के अंदर वो मुद्रा स्कीम की वजह से आएगा, क्योंकि इसके कारण बहुत ज़्यादा जो है लोन लोन दिए गए हैं और जो जिनका जो चांसेस है कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह का ये एक चेतावनी भी दी थी। तो वही बात बोलते हैं कि देखिए डिमांड तो बढ़ती जा रही है, पीएसयू को भी क्या है प्रोक्योर करना चाहिए प्रॉपर, जो एक लिमिट है 25% की, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम 25% तो जो एमएसएमई से प्रोक्योर करना चाहिए ताकि उनकी भी एफिशिएंसी बढ़े और वो भी एफिशिएंटली इकोनॉमी में भागीदार बने, ठीक है। इस तरह के सजेशंस दे देते हैं। चलिए ये हमारा लास्ट आर्टिकल है आरबीआई का। अभी आपको पता है काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी आरबीआई की अटोनमी से रिगार्डिंग, ठीक है। आरबीआई ने बोला हमारे पास अटोनमी नहीं है, उनके डिप्टी गवर्नर आए और उन्होंने पब्लिकली पूरा बोला कि हमें गवर्नर हमें जो है हमारी इंडिपेंडेंस छीन ली गई है, हमें अटोनमी की ज़रूरत है। अभी बताते हैं कि ये काफ़ी हमने अभी न्यूज़ में देखा, गवर्नमेंट जो आरबीआई के अगेंस्ट, आरबीआई गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ने बोला कि सेक्शन 7 हम यूज़ करेंगे आरबीआई का, जिसके अंदर पूरी पावर दी गई है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कुछ भी जो भी बोलेगी आरबीआई को करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए पूरा इसको एनालाइज करते हैं कि कैसे इनको अटोनमी है या नहीं है। देखिए सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो हमेशा पहले ये माना जाता था कि जो आरबीआई का रोल क्या है, देखिए आरबीआई का रोल क्या है ये डिसाइड होता है, दो तरह के रोल हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी कि आरबीआई का रोल ही मेजर है इन्फ्लेशन को टारगेट करना। सेकंड ये कहते हैं कि बहुत सी जगह इकोनॉमीज में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट को भी ध्यान रखते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के जो टूल्स हैं उनको भी कवर करता है आरबीआई या रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक, कोई भी गवर्नमेंट का होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो वगैरह यूज की जाती है सिर्फ इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर पूरा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन कहते हैं अगर हम बात करें बाहर के कंट्री, यूएस हो गया, वेस्टर्न इकोनॉमीज हो गई, वहां पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है और दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की
कोशिश की जाती है। तो वही बात बोल रहे हैं कि देखिए अभी क्या हुआ है कि सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंस कहते हैं कि अगर बात करें हम तीन तरीकों से, अगर इनकी इंडिपेंडेंस की बात करें तो तीन तरीके से अगर इंडिपेंडेंस की बात करें, सबसे पहले कि जब भी स्ट्रेस बैंक कोई भी बैंक जब स्ट्रेस आता है तो उसके ऊपर एक्शन क्या लिया जाए, ठीक है। सेकंड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है कौन से प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए, कोई भी बैंक है या कोई भी और सेक्टर्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तीसरा है ईजिंग ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कितनी ईज की जाए, और फोर्थ है शेयरिंग ऑफ सरप्लस जनरेटेड बाई आरबीआई। यानी कि चार चीज है। पहली चीज क्या है, अगर इंडिपेंडेंस की हम डिफरेंट इंडिपेंडेंस की बात करें कि स्ट्रेस बैंक के ऊपर स्ट्रेस हो रहा है कैसे उसको सोल्व किया जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए, कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए सिस्टम में, और फोर्थ है सरप्लस जो आरबीआई के पास जनरेट होता है। ये कहते हैं तीन चीजों को छोड़ के जो फोर्थ चीज है आरबीआई का सरप्लस, इसके ऊपर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है, इसके ऊपर गवर्नमेंट चाहती है उस हिसाब से सरप्लस जो है जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के पास जो ये सरप्लस ये आता है या आरबीआई के पास जो सरप्लस है इसको कैसे यूज किया जाएगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो यहाँ पे पता चलता है कि इस एरिया में आरबीआई की कोई ऑटोनॉमी नहीं है। इसके अलावा ये कहते हैं अगर और चीजों की बात किया जाए, ठीक है, जो जैसे अपॉइंटमेंट होती है बोर्ड मेंबर्स होते हैं आरबीआई के, तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यानी कि कुछ जो आरबीआई के मेंबर्स होते हैं और कुछ गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं। तो यहां भी आरबीआई जो है पूरा कहीं ना कहीं आरबीआई की ऑटोनॉमी डिग्रेड हो जाती है, गवर्नमेंट के डिसीजन काफी यानी कि ज्यादा उसमें चलते हैं। और यहाँ पे क्या डिसाइड होता है मेजर कि क्या जो हमारी मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसीज होंगी वो क्या होंगी, ताकि जो जो लिक्विडिटी वो भी मेंटेन रहे, ग्रोथ भी मेंटेन रहे, सारी चीजें। तो यहाँ पे भी ये बताते हैं कि गवर्नमेंट का रोल जो है बढ़ गया है, आरबीआई का रोल कम हो गया है। इसके अलावा कहते हैं डिमोनेटाइजेशन की बात करें, 2016 में डिमोनेटाइजेशन हो, वहां पे भी गवर्नमेंट ने बोला डिमोनेटाइजेशन आरबीआई को करना पड़ेगा, ठीक है, आरबीआई का उसमें ये मानते हैं कि कुछ ज्यादा चली नहीं है। इसके अलावा अगर और बात करें तो जैसे अभी बता रहे हैं कि जैसे एक घंटे के अंदर आप 1 करोड़ का लोन ले सकते हैं, और ये बोल रहे हैं कि आरबीआई जो है इसके अगेंस्ट रहता है। आरबीआई जो है पॉलिसी पूरी सेंट्रलाइज पॉलिसी जो अपनाता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो इस तरह के लोन वगैरह देने के स्टार्ट कर देती है, और इससे पूरा इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आरबीआई इसको अपोज करती है, आरबीआई अपोज करती है तो गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट किसके अगेंस्ट जाती है, गवर्नमेंट को लगता है कि हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है आरबीआई। तो इसके बीच में खींचातान चलती रहती है, और इसी के ऊपर बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, दोनों जो बॉडीज हैं इनको मिलकर काम करना चाहिए, एक जो ऐसे नहीं है कि आरबीआई के ऊपर इंपोज किया जाए, इनकी प्रॉपर एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है। और ये यहाँ पे नहीं, सभी जो बाहर की कंट्रीज है वहां पे भी इस तरह की जो है पॉलिसी अपनाई जाती है कि सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंस दी जाती है। ये बोलते हैं कि ऐसे पॉपुलिज्म वगैरह को यूज नहीं करना चाहिए कि इलेक्शन आने वाले हैं, अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल तो ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है, इंटरेस्ट रेट को चेंज किया जाए ताकि ज़्यादा लोन मिले, ग्रोथ बढ़े, ग्रोथ बढ़े तो जो है हमें भी लगे कि लोगों को लगे कि हाँ ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये बोले कि बहुत चीज़ें आरबीआई के अंडर जो है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी आरबीआई को ध्यान देना चाहिए, सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी का काम नहीं चलता। वही सारी बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसी को यहाँ पे समराइज करके बताया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शाम को आज एक एनसीईआरटी का डिस्कस करेंगे, 40 से 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।